हिमाचल के ज्वाली के नूरपुर सिविल अस्पताल में डिलीवरी के दौरान गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया है। मामला उजागर होने के बाद सोमवार को ज्वाली के विधायक अर्जुन सिंह महिला के परिजनों से मिलने ग्राम पंचायत आंबल के गांव ठेहड़ू में पहुंचे। इस दौरान महिला के परिजनों को संवेदना प्रकट की। विधायक के समक्ष परिजनों ने मौत के कारणों का खुलासा करते हुए कहा कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण ही महिला की मौत हुई है। परिजनों ने बताया कि जब डिलीवरी हो चुकी थी तो फिर परिजनों को बताया क्यों नहीं गया, क्यों महिला के पास परिजनों को नहीं जाने दिया गया, आखिरकार उसकी छाती पर चीरा क्यों लगाया गया तथा रेफर करते समय चीरा को स्टिच क्यों नहीं किया गया। परिजनों ने विधायक अर्जुन सिंह से फरियाद लगाई कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए तथा दोषी डॉक्टर सहित स्टाफ के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाए ताकि भविष्य में किसी की जान ना जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच विशेष एजेंसी से करवाई जाएगी तथा जो भी दोषी होगा उस पर यकीनन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार दोषियों को माफ नहीं करती जबकि निर्दोषों को कभी भी सजा नहीं देती। उन्होंने इस अवसर पर पीड़ित परिवार को फौरी सहायता के रूप में 11,000 की आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई तथा कहा कि भविष्य में मुख्यमंत्री के माध्यम से भी परिवार की हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। ज्वाली से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। आज जो ठेडू में हमारी एक शायद गद्दी परिवार है उसमें युवा महिला की प्रसव के समय, प्रसूति के समय जिस तरह से उन्होंने बयान किया परिवार के सदस्यों ने, उस स्वर्गीय महिला के पति ने, वो बहुत दर्दनाक घटना सुनाई और उस सब को सुनने के बाद मैंने सिविल हॉस्पिटल जो सब डिवीज़न लेवल का उपमंडल स्तर का है नूरपुर में, उसके इंचार्ज डॉक्टर दिलवर से भी बात की है और मैंने उनको कहा है कि उस दिन जो रात को ड्यूटी पर डॉक्टर तैनात थी जो डिलीवरी कराती है, अन्य जो उनका पैरामेडिकल स्टाफ है जो वो तैनात था, उनको ज़रा डिटेल दीजिए। और मैंने साथ में ये भी कहा है कि हम सभी डॉक्टर्स को ये नहीं बोलना चाहते कि वो ठीक नहीं है। डॉक्टर भगवान के बाद अगर किसी को दूसरा रूप माना गया तो वो एक चिकित्सक का है, एक डॉक्टर का है। और जिस तरह से मैंने वहाँ महिलाओं को देखा भय एक डॉक्टर के प्रति, सरकारी अस्पताल के प्रति, जहाँ तक हमारी सरकार की बात है, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें इतना सुधार कर रहे हैं, फिर भी लोगों में इस तरह का भय होना हमें मुझे बड़ा अचंभित किया। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से उस समस्त परिवार के सब प्रति अपनी भी संवेदना प्रकट करता हूँ, अपनी सरकार की संवेदना भी प्रकट करता हूँ और साथ में मैंने उनको आश्वासन दिया है कि मैं इसके लिए विस्तृत जांच किसी विशेष एजेंसी से माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के माध्यम से करवाने का आग्रह। कल मैं सुबह में शिमला जाऊँगा तो उनसे करवाऊँगा और हम चाहते हैं निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी छूटना नहीं चाहिए। मेरा तो इतना ही कहना है। मैं अपने डॉक्टर भाइयों को भी कहूँगा कि अगर आपके पास कोई इस तरह से पीड़ित किस है तो कम से कम अपने जो दायित्व है उसका हम ईमानदारी के साथ निर्वहन करें। और मुझे किसी ने कहा कि वो जो डॉक्टर थी उस दिन शायद किसी अधिकारी की पत्नी है, तो जो श्री जयराम ठाकुर माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है इसमें ना कोई बड़ा देखा जाता है ना कुछ छोटा देखा जाता है। निर्दोष को जो सरकार सजा नहीं देती और दोषी को आदरणीय श्री जयराम ठाकुर की सरकार छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैंने अपनी तरफ से भी उनकी कुछ आर्थिक मदद की है और मैं कोशिश करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी उस गरीब परिवार की मदद हो। और हम आपके माध्यम से उन्हीं को आश्वासन देना चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष सही और किसी विशेष एजेंसी से हम
जांच करवाएंगे ताकि लोगों में, महिलाओं में, बहनों में जो इतना भय वहाँ मैंने देखा वो ऐसा महसूस ना करें कि हम सरकारी अस्पताल जाएंगे तो हम असुरक्षित, असुरक्षा की भावना को तोड़ने के लिए ही सरकार इतना काम कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से इतना कहते हुए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.